हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एडुटैब के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशंस का लेक्चर नंबर 6 लेकर आए हैं। आज का जो टॉपिक है वो है थ्योरीज ऑफ लेबर वेलफेयर। ठीक है जी, तो लेबर वेलफेयर की भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, एग्जामिनेशन में इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आप सबके लिए गुड न्यूज़ भी है बच्चों, कि जो स्टूडेंट्स सेबी ग्रेड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए हमारा 40% ऑफ चल रहा है। तो अगर आप ये कूपन कोड यूज़ करेंगे सेबी 40, ठीक है, तो आपको सेबी के कोर्सेज पर 40% ऑफ मिल जाएगा। ये सेल जो है ये सिर्फ संडे तक वैलिड है। तो जो भी स्टूडेंट्स सेबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करना चाहते हैं तो वो ये कूपन कोड यूज़ करके 40% ऑफ ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने है लेबर वेलफेयर अप्रोचेस। लेबर वेलफेयर अप्रोचेस, तीन लेबर वेलफेयर अप्रोचेस है। सबसे पहले है ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच, दूसरी है यूटिलिटेरियन अप्रोच और तीसरी है पैटर्नलिस्टिक अप्रोच। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच, यूटिलिटेरियन अप्रोच और पैटर्नलिस्टिक अप्रोच। तो ये तीन लेबर वेलफेयर अप्रोचेज हैं आपके लेबर वेलफेयर में। ठीक है, इन्हें एक एक करके डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आती है बच्चों ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच। ठीक है जी, सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर्स टुवर्ड्स वर्कर्स एंड कंसर्न फॉर प्रोवाइडिंग सच एमिनिटीज एज वुड हेल्प वर्कर्स लिव अ लाइफ विद फ्रूगल लेवल ऑफ कंफर्ट। ठीक है जी, थ्योरी है, लैंग्वेज बहुत गंदी लग रही है इसकी आपको, मुझे पता है। तो हम थ्योरी को नहीं देखेंगे, हम डायग्राम के थ्रू इसे समझेंगे। ठीक है, इस बात की एसेंस समझनी है। थ्योरी आप लैंग्वेज कुछ भी आ सकती है, ठीक है, लैंग्वेज तो चेंज की जा सकती है, हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच में क्या वर्ड आता है, ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन मतलब इंसान, इंसान से बनता है इंसानियत। तो ये आपका जो मैनेजमेंट है एम्प्लॉयर है और ये आपके वर्कर हैं। तो मैनेजमेंट सोच रहा है कि इट इज माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ह्यूमन टू प्रोवाइड यू वेलफेयर। तो मैनेजमेंट एम्प्लॉयर जब सोचे कि उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ ह्यूमन बींग, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वर्कर का वेलफेयर करे। अगर मैनेजमेंट के दिमाग में ये है, ये थॉट अगर मैनेजमेंट के दिमाग में है और इस अप्रोच की वजह से वो वर्कर का वेलफेयर करेगा, तो हम इस अप्रोच को क्या कहेंगे, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच। इसकी जो अप्रोच है वो क्या है, ह्यूमन बीइंग वाली, मतलब इंसानियत वाली अप्रोच है। ठीक है, तो आप अब थ्योरी पढ़िए इसकी दोबारा से, कि सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर्स टुवर्ड्स वर्कर, मतलब इसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से लग रहा है ना कि मेरी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने एम्प्लॉयर के प्रति, एंड कंसर्न फॉर प्रोवाइडिंग सच एमेनिटीज एज वुड हेल्प वर्कर्स लिव अ लाइफ विद फ्रूगल लेवल ऑफ कंफर्ट। फ्रूगल मतलब अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। ठीक है जी, कि उसको कंसर्न है कि अगर मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ ह्यूमन बींग कि मैं अपने वर्कर्स को अच्छा वर्किंग कंडीशन दूं, अच्छा वेलफेयर दूं। ठीक है जी, तो अगर उसके दिमाग में ये बात आ गई और इस वजह से अपने वर्कर को वेलफेयर दे रहा है तो इससे हम क्या कहेंगे, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच। ठीक है जी, आगे चलते हैं। दूसरा है बच्चों यूटिलिटेरियन अप्रोच। अंडर यूटिलिटेरियन अप्रोच एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर एमिनिटीज आर सीन एज इन्वेस्टमेंट दैट विल प्रिजर्व एम्प्लॉय एफिशिएंसी फॉर द बेनिफिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपका एम्प्लॉयर है, ये आपके वर्कर्स हैं। अब एम्प्लॉयर के दिमाग में क्या बात आएगी, या यूटिलिटेरियन में क्या वर्ड आता है, यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब आप यूटिलिटी को ऐसा समझिए कि मैंने किसी को यूटिलाइज किया। ठीक है जी, मतलब मैंने आपको यूटिलाइज किया, आपने मुझे यूटिलाइज किया, तो वो बात हो गई ना। तो इसमें भी यही है कि मैनेजमेंट के दिमाग में, एम्प्लॉयर के दिमाग में क्या बात आई कि इफ आई प्रोवाइड माई वर्कर विद वेलफेयर, अगर मैं उन्हें वेलफेयर दूंगा तो वो मेरी कंपनी छोड़ के भी नहीं जाएंगे और अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करके, एफिशिएंसी इंक्रीज करके मेरे लिए काम करेंगे जिससे मेरा बेनिफिट है, मतलब एक हाथ दो एक हाथ लो। ठीक है जी, तो इसमें वर्कर, इसमें मैनेजमेंट के थॉट प्रोसेस क्या है कि अगर मैं इन्हें कुछ प्रोवाइड करूंगा ना तो ये भी मुझे कुछ प्रोवाइड करेंगे, मतलब मैंने यूटिलाइज कर रहा, मैंने यूज कर रहा हूं अपने बेनिफिट के लिए। ठीक है जी, इफ आई प्रोवाइड बेनिफिट टू देम दे विल गिव मी बेनिफिट। ओके, ठीक है। अंडर यूटिलिटेरियन अप्रोच एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर एमिनिटीज आर सीन एज इन्वेस्टमेंट दैट विल प्रिजर्व एम्प्लॉय एफिशिएंसी फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर वेलफेयर हम प्रोवाइड करेंगे तो वो भी हमारे लिए अच्छा काम करेंगे। अगर मैनेजमेंट के दिमाग में ये थॉट आ गया तो इससे हम क्या कहेंगे कि उन्होंने यूटिलिटेरियन अप्रोच को अडॉप्ट किया है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। लास्ट है बच्चों पैटर्नलिस्टिक अप्रोच। पैटर्नल मतलब फादर, ठीक है, रिलेटेड टू फादर। तो द पैटर्नलिस्टिक अप्रोच प्रोपगेट्स एम्प्लॉयड एज अ गार्डियन ऑफ वर्कर्स हु अंडरटेक्स वेलफेयर एक्टिविटीज ड्यू टू अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स देम एंड टू प्रोटेक्ट देम। तो यहाँ पर क्या हुआ, एम्प्लॉयर के माइंड में क्या थॉट आया कि मैं तो वर्कर्स का गार्डियन हूं, मैं तो एज अ फादर फिगर हूं उनका। ठीक है जी, आई एम लाइक अ पेरेंट टू देम।
तो मेरी तो एज अ पेरेंट ड्यूटी बनती है कि मैं उनको वेलफेयर प्रोवाइड करूँ। जैसे फादर अपने बच्चों का वेलफेयर प्रोवाइड करता है बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, तो एज अ फादर मेरे को एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मेरी ड्यूटी बनती है कि वर्कर्स मेरे बच्चों के समान है, मेरी फैमिली के समान है, तो एज अ गार्डियन मैं उन्हें वेलफेयर मेजर प्रोवाइड करूँ। तो अगर मैनेजमेंट के दिमाग में ये थॉट आ गया तो इसे हम क्या कहेंगे, वो पैटर्नलिस्टिक अप्रोच की वजह से वेलफेयर एक्टिविटीज कंडक्ट करते हैं। ठीक है जी, तो तीन लेबर वेलफेयर अप्रोचेस थी, तीनों आपको समझ आ गई होंगी। ह्यूमैनिटेरियन मतलब आउट ऑफ ह्यूमन कंडीशन, मतलब इंसानियत की वजह से। यूटिलिटेरियन मतलब कि अगर मैं उन्हें कुछ प्रोवाइड करूंगा बदले में वो भी कंपनी छोड़कर नहीं जाएंगे और अपनी एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेंगे। और लास्ट है पैटर्नलिस्टिक मतलब आउट ऑफ माई फीलिंग एज अ फादर, कि मैं पेरेंट लाइक फिगर हूँ, एक गार्डियन हूँ अपने वर्कर्स के लिए, मेरी फैमिली है वो, तो एज अ गार्डियन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उन्हें वेलफेयर प्रोवाइड करने की। ठीक है, हमने अप्रोचेस तो पढ़ ली, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे लेबर वेलफेयर की थ्योरीज क्या क्या है। ठीक है, तो जब मैं बात करता हूँ लेबर वेलफेयर की थ्योरी की तो हमारे सामने सात थ्योरीज आती हैं, पुलिस थ्योरी, फिलेंथ्रॉफिक थ्योरी, पैटर्नलिस्टिक और ट्रस्टीशिप थ्योरी, प्लेकेटिंग थ्योरी, पब्लिक रिलेशन थ्योरी, फंक्शनल थ्योरी और लास्ट में आती है बच्चों रिलीजियस थ्योरी। ठीक है जी, ये सात लेबर वेलफेयर थ्योरीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। आइए एक एक करके एक इन थ्योरीज को पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे सामने आती है पुलिस थ्योरी। ठीक है जी, ये मैनेजमेंट एम्प्लॉयर आपका और ये आपके वर्कर्स, तो एम्प्लॉयर आपका वर्कर्स के वेलफेयर के लिए काम क्यों करता है पुलिस थ्योरी के अकॉर्डिंग, वी टेक वेलफेयर एक्टिविटीज इन फियर ऑफ कंप्लायंसेज। ठीक है जी, पुलिस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपका एम्प्लॉयर वर्कर्स के बेनिफिट के लिए वेलफेयर क्यों करेगा, क्योंकि कंप्लायंसेज हैं। आपको पता है ना कि फैक्ट्री एक्ट में लिखा गया है कुछ कंप्लायंसेज, कुछ वेलफेयर एक्टिविटीज, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट में लिखा गया है, आपको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में लिखा गया है, आपके जितने भी लॉज बने हैं एनैक्टमेंट्स हैं उनमें कुछ ना कुछ, या कोई स्कीम्स है गवर्नमेंट ने उसमें एम्प्लॉयर के लिए मैंडेटरी किया है कि उसको वर्कर्स के लिए ये कंप्लायंसेज करने हैं, ये वेलफेयर करना है। अगर वो इन कंप्लायंसेज को नहीं करेगा तो उस पर एक्शन लिया जा सकता है, उस पर पेनल्टी लग सकती है, उसे जेल भेजा जा सकता है। तो डर के कारण, नाम है ना पुलिस थ्योरी, पुलिस का मतलब पुलिस का डर है, उसे डर मतलब पुलिस, यहाँ पे आप किसको कह सकते हो, इसको आप गवर्नमेंट का कह सकते हो, कि जो आपका एम्प्लॉयर है उसे डर है कि अगर वो कंप्लायंसेज फुलफिल नहीं करेगा तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, तो लॉ को फुलफिल करने के लिए, एनैक्टमेंट को फुलफिल करने के लिए, पेनल्टी से बचने के लिए वो लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज कंडक्ट करता है। मैनेजमेंट ओवरलुक एंड नेग्लेक्ट द वेलफेयर ऑफ वर्कर्स एंड इवन एक्सप्लॉइट वर्कर्स फॉर देयर ओन एडवांटेज। द स्टेट मस्ट एनैक्ट लेजिस्लेशन दैट वुड कोअर्स एम्प्लॉयर्स टू प्रोवाइड फॉर वर्कर्स वेलफेयर इन द फॉर्म ऑफ मिनिमम वेजेस, हेल्थ केयर, गुड वर्किंग कंडीशन एटसेट्रा। तो नॉर्मली अगर कोई डंडा नहीं होगा ना मैनेजमेंट के ऊपर तो फिर वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करेंगे और उनके वेलफेयर के लिए कोई एक्टिविटीज नहीं करेंगे। लेकिन इस पर ड्यूटी किसकी आ जाती है, इस पर स्टेट की, गवर्नमेंट की ड्यूटी आ जाती है कि वो ऐसे लॉज बनाए जिस पर एम्प्लॉयर के लिए मैंडेटरी कर दिया जाए, कंपल्सरी कर दिया जाए कि एम्प्लॉयर को वर्कर्स के वेलफेयर के लिए एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी, उन्हें हेल्थ केयर, सैनिटेशन, फूडिंग, हाउसिंग सब फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे लेजिस्लेशन बनाए जाए। तो पुलिस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हमने पढ़ा कि जो आपका मैनेजर है, जो आपका एम्प्लॉयर है, वो आपके वेलफेयर की एक्टिविटीज किस लिए करता है, केवल डर के कारण करता है कि कंप्लायंसेज है, लॉ में लिखा गया, इसलिए करता है वो। ठीक है, सामने आता है बच्चों फिलेंथ्रोपिक थ्योरी, वही आपका एम्प्लॉयर, वही आपके वर्कर्स। यहां पर जो एम्प्लॉयर के थॉट में क्या बात आई कि वी टेक वेलफेयर एक्टिविटीज ड्यू टू ह्यूमैनिटी, तो यहां पर ये वेलफेयर एक्टिविटीज क्यों कर रहा है, ह्यूमैनिटी के कारण। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा ना ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच, तो सेम है यहां पर फिलेंथ्रोपिक थ्योरी में भी कि यहां पर जो एम्प्लॉयर है वो आउट ऑफ ह्यूमैनिटी वो वर्कर्स का वेलफेयर करता है। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट वेलफेयर मेजर्स आर अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स टू वर्कर्स फॉर इंप्रूविंग देयर कंडीशन। मेनी फिलेंथ्रोपिस्ट बिलीव दैट इन्वेस्टमेंट इन लेबर वेलफेयर विल बी अल्टीमेटली बेनिफिशियल फॉर इंडस्ट्री। हम देख सकते हैं, हमने बहुत सुना है कि जो रतन टाटा जी है, रतन टाटा इंडिया में बहुत माना जाता है कि वो बहुत ज्यादा फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज करते हैं। सिमिलरली नारायण मूर्ति जी के बारे में भी ये माना जाता है कि वो वर्कर्स के बेनिफिट के लिए बहुत ज्यादा एक्टिविटीज करते हैं। उनकी वाइफ सुधा मूर्ति हैं जो एनजीओ चलाती हैं, उन्होंने बहुत एक्टिविटीज कंडक्ट करती हैं किसके लिए, वर्कर्स के लिए। ठीक है, तो फिलेंथ्रोपिक थ्योरी में ये चीज देखी जाती है
कि जो काम किया जाता है वो आउट ऑफ ह्यूमैनिटी किया जाता है, इंसानियत के नाते वेलफेयर एक्टिविटीज कंडक्ट की जाती हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे सामने आता है बच्चों पैटर्नलिस्टिक और ट्रस्टीशिप थ्योरी। तो हमने जो पैटर्नलिस्टिक अप्रोच पढ़ी थी तो सिमिलर है चीज ये, इसमें भी यही होता है कि जो आपका एम्प्लॉयर है उसको ये अंदर से फीलिंग होती है कि मैं एक तरह से गार्डियन हूँ, एक तरह से पेरेंट हूँ अपने एम्प्लॉयर का, वो मेरी फैमिली है और मैं उनका गार्डियन हूँ और मुझे एज अ गार्डियन उनको वेलफेयर एक्टिविटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, दिस थ्योरी इज पैटर्नलिस्टिक इन अप्रोच एंड प्रपोजेज द ओनर ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इज द गार्डियन और फादर ऑफ ऑल द वर्कर्स। द एम्प्लॉयर मस्ट ओन द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट विच ही यूजेस फॉर द बेनिफिट ऑफ वर्कर एंड द सोसाइटी एज अ होल। द एम्प्लॉयर मस्ट टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स। उसकी ड्यूटी है कि वो वर्कर्स के वेलफेयर का, उनके राइट्स का, उनके इंटरेस्ट का पूरा ध्यान रखे। महात्मा गांधी स्ट्रॉन्गली बिलीव इन द ट्रस्टीशिप थ्योरी। बच्चों इसको पैटर्नलिस्टिक और ट्रस्टीशिप थ्योरी दोनों बोलते हैं। इसको ट्रस्टीशिप थ्योरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि महात्मा गांधी जी ये मानते थे कि ऑल्दो जो एम्प्लॉयर है प्रॉपर्टी उसकी है, लेकिन उसको क्या करना चाहिए, ऐसा ट्रस्टी रोल निभाना चाहिए, उसको जितने भी रिसोर्सेज है वो वेलफेयर के लिए स्पेंड करने चाहिए अपने वर्कर्स के लिए। ठीक है जी, तो इसको महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप थ्योरी भी कहते हैं। और ये नाम जो है ना महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पहले पूछा गया एक बार कि कौन सी ऐसी थ्योरी है जो महात्मा गांधी जिसके स्ट्रॉन्गली बिलीवर थे, कौन सी ऐसी लेबर वेलफेयर थ्योरी है जो महात्मा गांधी से कनेक्टेड है। तो आपको नाम पता होना चाहिए, वो है पैटर्नलिस्टिक या फिर ट्रस्टीशिप थ्योरी। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारे सामने आती है प्लेकेटिंग थ्योरी। बात करते हैं प्लेकेटिंग थ्योरी की। इसमें आपके वर्कर्स के दिमाग में क्या बात होती है, वर्कर्स अब एजुकेटेड हो चुके हैं, आपको पता है उनको अपने राइट्स के बारे में पूरी अवेयरनेस है, तो उनको पता है कि अगर वो मैनेजमेंट को प्रेशराइज करेंगे, अपने एम्प्लॉयर को मॉरल प्रेशर डालेंगे उन पर हाई वेजेस वर्किंग कंडीशन के लिए, तो मैनेजमेंट को वो मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैनेजमेंट के माइंड में क्या आया, मैनेजमेंट के माइंड में ये आया कि अगर मैं वर्कर्स को पहले ही वर्किंग कंडीशन अच्छी प्रोवाइड करूँ, वेलफेयर प्रोवाइड करूँ, तो वर्कर्स कभी भी स्ट्राइक नहीं करेंगे, वर्कर कभी भी वायलेंस नहीं करेंगे, मुझ पर मॉरल प्रेशर नहीं एग्जर्ट करेंगे। तो मैनेजमेंट वर्कर को खुश रखने के लिए, इंडस्ट्रियल पीस को बरकरार रखने के लिए क्या करेगी, उनको वेलफेयर मेजर प्रोवाइड करेगी ताकि वर्कर्स के दिमाग में कभी ये बात ना आए कि वर्कर्स को मैनेजमेंट के अगेंस्ट स्ट्राइक करनी चाहिए या अपनी डिमांड्स आगे रखनी चाहिए। तो वर्कर्स को खुश रखने के लिए जब मैनेजमेंट उनको वेलफेयर प्रोवाइड करता है तो इनसे क्या कहेंगे हम, प्लेकेटिंग थ्योरी। प्लेकेटिंग थ्योरी बिलीव दैट एज वर्कर्स आर बिकमिंग मोर अवेयर ऑफ देयर राइट्स, दे आर अडॉप्टिंग अ मिलिटेंट एटीट्यूड टू प्रेशराइज एम्प्लॉयर्स फॉर हायर वेजेस एंड इंप्रूव वर्किंग कंडीशन। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो वर्कर्स हैं, जैसे जैसे उनको अवेयरनेस अपने राइट्स के बारे में होती जा रही है, तो वो मिलिटेंट एटीट्यूड ला रहे हैं, मतलब वो यूनिटी बनाकर एम्प्लॉयर को ब्लैकमेल करने लगते हैं कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी हम तो स्ट्राइक पर बैठ जाएंगे, रिपरकशन आपको पता ही है। ठीक है, इन सच सिचुएशन अंडरटेकिंग वेलफेयर मेजर्स कैन अपीज वर्कर्स एंड पीसफुल इंडस्ट्रियल रिलेशन कैन बी अटेंड। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट को पहले ही वेलफेयर मेजर लेने चाहिए ताकि वर्कर्स भी खुश रहें और इंडस्ट्री में पीस भी बरकरार रहे और दोनों के जो कॉर्डियल रिलेशन है वो अच्छे तरीके से बने रहे। ठीक है, प्लेकेटिंग थ्योरी भी आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट है पब्लिक रिलेशन थ्योरी। पब्लिक रिलेशन यानी कि पीआर। आपको पता है ना कि जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं उनकी एक पीआर टीम होती है और पीआर टीम का काम क्या होता है कि उस सेलिब्रिटी की ब्रांड इमेज अच्छी बना के रखें। तो सिमिलरली पब्लिक रिलेशन थ्योरी में भी ऐसा ही होता है कि मैनेजमेंट वर्कर्स को जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वेलफेयर प्रोवाइड करती हैं, अमेनिटीज प्रोवाइड करती हैं, वो किस लिए करती हैं, ताकि मैनेजमेंट की गुडविल बनी रहे। ठीक है, आपको पता होगा ना कि अगर कोई कंपनी अपने वर्कर को खुश रखती है, ठीक है, तो उसका ब्रांड इमेज बढ़ जाती है, लोग उस कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे इन्फोसिस कंपनी है, इन्फोसिस कंपनी में बहुत लोग ज्वाइन करना चाहते हैं क्योंकि वहां पर वर्कर्स बहुत खुश रहते हैं, तो उस कंपनी की वैसे भी गुडविल अच्छी होती है, वहां वर्कर्स कम पैसे में भी आने को रेडी हो जाते हैं, और सेकेंडली उस कंपनी का जो कस्टमर है वो भी खुश रहता है, उसे भी लगता है कि ये जो आपके वर्कर्स हैं, वर्कर्स एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, ये कंपनी कभी अचानक ही भाग नहीं जाएगी, बैंकरप्ट नहीं हो जाएगी, सप्लायर्स उस कंपनी में अच्छे से लोन एक्सटेंड कर देते हैं, क्रेडिट एक्सटेंड कर देते हैं, बैंक्स उस कंपनी को लोन इजीली दे देता है। ठीक है जी, आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो बड़े हैप्पी होते हैं, आपसे गवर्नमेंट बहुत हैप्पी होती है, गवर्नमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन देती है। तो अल्टीमेटली आपकी गुडविल अच्छी करने के लिए पब्लिक रिलेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग कंपनी अपनी गुडविल को इंप्रूव करने के लिए वेलफेयर एक्टिविटी कंडक्ट करती है। ठीक है,
व्हेन लेबर वेलफेयर मेजर्स ऑफ एन अंडरटेकिंग आर पब्लिसाइज दे क्रिएट गुडविल इन द सोसाइटी। ठीक है, अगर कुछ भी वेलफेयर मेजर अगर कंपनी करेगी ना अपने वर्कर्स के लिए, तो उसको न्यूज़पेपर में ऐड दे देगी, टीवी में ऐड दे देगी। ठीक है, सेल्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ सच एन एस्टैब्लिशमेंट मे गो अप, अगर वो गुडविल इंक्रीज होगी तो उस कंपनी की सेल्स भी बढ़ेगी, प्रॉफिट भी बढ़ेंगे। दैट इट गिव्स टू वे बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयर्स, इंक्रीज प्रॉफिट्स एंड बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो क्या हुआ, इससे इंडस्ट्रियल रिलेशन भी अच्छे हो गए और प्रॉफिट भी बढ़ गया। दिस थ्योरी मे बी सेट टू बी बायस बेस्ड ऑन द यूटिलिटेरियन अप्रोच, इसको यूटिलिटेरियन अप्रोच के अकॉर्डिंग हम मान सकते हैं, क्योंकि यूटिलिटेरियन अप्रोच में भी ये था ना कि मैनेजमेंट वर्कर्स के लिए कुछ करेगी और वर्कर्स मैनेजमेंट के लिए कुछ करेगा। तो अगर गुडविल बढ़ जाएगी तो इनकी प्रोडक्टिविटी भी तो बढ़ेगी ना, ये भी खुश रहेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो अल्टीमेटली दोनों पार्टीज को बेनिफिट होगा। यूटिलिटेरियन अप्रोच में भी यही था कि दोनों पार्टीज को बेनिफिट हो रहा था एक दूसरे से। तो पब्लिक रिलेशन थ्योरी में भी यही है, मैनेजमेंट के दिमाग में क्या है कि जो भी हम वेलफेयर एक्टिविटीज करें उसको पब्लिसाइज कर दे ताकि मैनेजमेंट की ब्रांड इमेज और गुडविल इंक्रीज हो जाए। ठीक है, हमारे सामने फंक्शनल थ्योरी। फंक्शनल थ्योरी में मैनेजमेंट के दिमाग में क्या आता है कि वी टेक वेलफेयर एक्टिविटीज टू प्रिजर्व द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर। ठीक है, ये भी थोड़ी बहुत हम मान सकते हैं कि यूटिलिटेरियन अप्रोच पे बेस्ड है कि मैनेजमेंट वर्कर्स को वेलफेयर एक्टिविटीज क्यों करती है, उनके लिए ताकि वर्कर्स खुश रहें, खुश रहेंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली इंप्रूव्ड रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, दिस थ्योरी रेस्ट ऑन द अजम्पशन दैट वेलफेयर मेजर्स हेल्प्स टू प्रिजर्व द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स। आप सब जानते हैं कि अगर आप सामने वाले से खुश हैं तो सामने वाला भी आपसे खुश रहेगा, ये एक जनरल फैक्ट होता है ना कि अगर हम सामने वाले से खुश हैं तो सामने वाला भी हमसे खुश रहेगा, हम सामने वाले के लिए कुछ अच्छा करेंगे तो वो भी हमारे लिए अच्छा करेगा। तो फंक्शनल थ्योरी भी यही बात कहती है, फंक्शनल थ्योरी भी यही कहती है कि अगर मैनेजमेंट वर्कर्स को वेलफेयर प्रोवाइड करेगा तो वर्कर्स भी मैनेजमेंट के लिए अच्छे से काम करेंगे, दिल लगा के काम करेंगे, एफिशिएंसी इंक्रीज करेंगे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, इस थ्योरी को हम एफिशिएंसी थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसको, एफिशिएंसी थ्योरी भी से कहते हैं हम। इसके बाद आती है बच्चों लास्ट, रिलीजियस थ्योरी। रिलीजियस थ्योरी क्या है, रिलीजियस मतलब धार्मिक, और रिलीजियस का जब हमारे सामने नाम आता है रिलीजन का, हमारे सामने कॉन्सेप्ट आता है जो है कर्मा कॉन्सेप्ट। कर्मा कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि अगर मैं किसी का आज बुरा करूंगा तो कल मेरे साथ भगवान अचानक से बुरा कर देंगे, और अगर किसी का आज मैं अच्छा करूंगा तो भगवान सब देखते हैं, भगवान मेरा भी अच्छा करेंगे। ठीक है, तो कर्मा कॉन्सेप्ट यही होता है। तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो वर्कर्स के वेलफेयर के लिए एक्टिविटीज क्यों कंडक्ट कर रही है, क्योंकि मैनेजमेंट कर्मा कॉन्सेप्ट पर बिलीव करती है कि अगर आज मैं वर्कर्स के लिए अच्छा करूंगा ना तो कल मेरे साथ भी अच्छा होगा, और अगर आज मैं वेलफेयर प्रोवाइड नहीं करूंगा, फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करूंगा, एमिनिटीज प्रोवाइड नहीं करूंगा तो कल को मेरे साथ भी बुरा हो सकता है। तो मैनेजमेंट के दिमाग में ये बात रहती है यहाँ पे। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द कर्मा कॉन्सेप्ट रिलीजियस थ्योरी के अकॉर्डिंग वेलफेयर एक्टिविटीज कंडक्ट करवाई जाती है मैनेजमेंट के द्वारा। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट डूइंग गुड डीड्स इज एन इन्वेस्टमेंट, कि अच्छा काम करोगे तो वो एक इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। ठीक है, तो एक तरह से आप लेबर वेलफेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, जिसका आपको बाद में फ्यूचर में उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। प्रोवाइडिंग बेनिफिट टू वर्कर्स इन द फॉर्म ऑफ कैंटीन, हेल्थ बेनिफिट, क्रचेज एक्सेट्रा कैन ऑल्सो हेल्प इन अटॉर्मेंट ऑफ सेंस। क्या हो सकता है कि अगर मान लो इनके दिमाग में ये होता है कि अगर मैं वर्कर के लिए कुछ अच्छा करूंगा ना तो मेरे जो दूसरे सिंस हैं, आपको पता है कि नॉर्मली क्या होता है कि कंपनी में ना बहुत पैसा ब्लैक मनी होता है जिस पर टैक्स इवेजन करते हैं। तो हमारे नॉर्मल इंसान के दिमाग में क्या होता है कि अगर मैं 5 करोड़ रुपया ब्लैक मनी ले लूं और 50,000 रुपये का कुछ बेनिफिट कर दूं ना वर्कर्स का, तो हमारे दिमाग में एक सेटिस्फेक्शन आता है कि चलो ठीक है, मेरे जो पाप है वो धुल गए। तो सिमिलरली यहाँ पर मैनेजमेंट के दिमाग में क्या है कि अगर मैं कैंटीन खोल लूँ, हेल्थ बेनिफिट्स वर्कर्स को प्रोवाइड करूँ, क्रचेज प्रोवाइड करूँ, तो इससे क्या होंगे, जो मेरे पाप हैं वो धुल जाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने ये सुना होगा ना, बहुत लोग ऐसा करते भी हैं कि वो करप्शन में एंगेज हो जाते हैं, करोड़ों रुपए की ब्राइबरी ले लेते हैं और बाद में थोड़ा बहुत डोनेशन कर देते हैं, तो उनके दिमाग में ये सेटिस्फेक्शन आ जाता है कि चलो मैंने थोड़ा बहुत डोनेशन कर दिया तो इससे मेरे पाप धुल गए। तो सिमिलरली रिलीजियस थ्योरी में भी यही मैनेजमेंट की अप्रोच होती है, उनके दिमाग में यही बात होती है। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं देखने के लिए कि आपको आज का लेक्चर कितने अच्छे तरह से समझ आया है। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, अंडर डैश एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर एमिनिटीज आर सीन एज इन्वेस्टमेंट दैट वुड प्रिजर्व एम्प्लॉय एफिशिएंसी फॉर द बेनिफिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी ऐसी थ्योरी या अप्रोच है जिसके अंडर ये माना जाता है कि जो वेलफेयर एमिनिटीज जो हम प्रोवाइड करते हैं, आपका एम्प्लॉयर आपके लिए वेलफेयर कर रहा है तो उसकी एक इन्वेस्टमेंट की तरह हम उसे देखते हैं कि उसको बाद में उसका बेनिफिट मिल जाएगा। ऐसी कौन सी अप्रोच होती है या थ्योरी होती है, पैटर्नलिस्टिक अप्रोच, रिलीजियस थ्योरी,
यूटिलिटेरियन अप्रोच या फिर ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच? इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा ऑप्शन थ्री, यूटिलिटेरियन अप्रोच। यूटिलिटेरियन अप्रोच में हम यही मानते हैं कि आज अगर जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉयज का क्या करेगा, वेलफेयर करेगा, इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज भी कल को एफिशिएंटली काम करेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है जी, तो यूटिलिटेरियन वर्ड कहाँ से बना है, यूजेस वर्ड से बना है, तो आप कुछ उनके लिए करोगे तो वो भी आपके लिए कुछ करेंगे। क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, अंडर विच लेबर वेलफेयर थ्योरीज द एम्प्लॉयर टेक केयर वेलफेयर एक्टिविटीज फॉर लेबर इन फियर ऑफ पनिशमेंट ऑफ कंप्लायंसेस ऑफ लीगल एनएक्टमेंट्स। ऐसी कौन सी लेबर वेलफेयर थ्योरीज है जिसमें जो एम्प्लॉयर है वो वेलफेयर एक्टिविटीज सिर्फ इसलिए करता है कि उसे डर होता है कि जो लीगल एनेक्टमेंट्स हैं या प्रोविजंस ऑफ लॉ है उसको अगर मैं कंप्लाई नहीं करूंगा तो मुझे पनिशमेंट भी मिल सकती है। कौन सी ऐसी थ्योरी है, रिलीजियस थ्योरी, फिलेंथ्रोपिक थ्योरी, पुलिस थ्योरी या फिर फंक्शनल थ्योरी? तो इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर थ्री, पुलिस थ्योरी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी इज अ सपोर्टर ऑफ डैश थ्योरी। गांधी जी कौन सी थ्योरी के सपोर्टर है, ट्रस्टीशिप थ्योरी, फंक्शनल थ्योरी, रिलीजियस थ्योरी या फिर फिलेंथ्रोपिक थ्योरी? तो गांधी जी सपोर्टर है ट्रस्टीशिप थ्योरी के, ऑप्शन नंबर वन। फंक्शनल थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज डैश। फंक्शनल थ्योरी का दूसरा नाम क्या है, एफिशिएंसी थ्योरी, इफेक्टिवनेस थ्योरी, ह्यूमैनिटी थ्योरी या फिर रिलीजियस थ्योरी? तो फंक्शनल थ्योरी का दूसरा नाम है बच्चों ऑप्शन नंबर वन, एफिशिएंसी थ्योरी। तो आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा, आप सभी क्वेश्चन अपने आप से आंसर कर पाए होंगे। तो आज के लेक्चर में बच्चों सिर्फ इतना ही। आपके कोई भी क्वेरीज हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं, ये हमारा नंबर है। आप हमें मेल भी कर सकते हैं hello@utap.co.in पर। आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करके देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हम आपको प्रोवाइड करते हैं और आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। वेरी मच।